स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जुनैद व्लॉग में। और आज की हमारी ट्रेन इन्फॉर्मेशन है 12111 मुंबई CSTM अमरावती सुपर फास्ट एक्सप्रेस के बारे में। बात की जाए इस ट्रेन के फर्स्ट सर्विस की तो 8 सितंबर 2008 को इस ट्रेन को फर्स्ट टाइम चलाया गया था। ट्रेन टाइप की अगर बात की जाए तो सुपर फास्ट एक्सप्रेस है और रेक जोन की बात की जाए तो सेंट्रल रेलवे जोन इस ट्रेन को ऑपरेट करता है। डिपार्चर की अगर बात की जाए तो ये ट्रेन इवनिंग में 7:55 को रवाना होती है मुंबई CSTM रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 से और एक रात चलकर दूसरे दिन पहुंच जाती है अमरावती रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे 7:55 को सुबह में। ट्रैवलिंग टाइम की अगर बात की जाए तो 12 घंटे लगाती है ट्रेन। इस दरमियान में इस ट्रेन के 14 हॉल्ट्स होते हैं और डिस्टेंस 671 किलोमीटर का सफर तय करती है। एवरेज स्पीड की अगर बात की जाए तो 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है और मैक्स परमिसिबल स्पीड की बात की जाए तो 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलती है। रेक की अगर बात की जाए इस ट्रेन में तो LHB रेक के कोच इस ट्रेन में लगे रहते हैं और कोच पोजिशन की बात की जाए तो SLR का 1, EOG का 1, जनरल के 3, SLR के 2, ACHA1 का 1, AC2 टायर के 2 और AC3 टायर के 10, ऐसे टोटल 20 कोचेज इस ट्रेन में लगे रहते हैं। टिकट प्राइस की अगर बात की जाए तो AC फर्स्ट क्लास में आपको देने होंगे 2465 रुपए, AC2 टायर में आप लोगों को देने होंगे 1475 रुपए और AC3 टायर में आप लोगों को देने होंगे 1045 रुपए। और बात की जाए स्लीपर में तो स्लीपर में आप लोगों को देने होंगे 400 रुपए और इसी के साथ जनरल में आप लोगों को देने होंगे इस ट्रेन में 220 रुपए मुंबई से अमरावती के दरमियान में। लोकोमोटिव की अगर बात की जाए तो मुंबई CSTM से अमरावती के दरमियान में अजनी का Web 7 और कल्याण का Web 7 इस ट्रेन में लगाया जाता है। चलिए मालूम करते हैं इस ट्रेन के स्टॉप्स के बारे में। आज की अगर बात की जाए इस ट्रेन में तो ये ट्रेन मुंबई CSTM रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 15 से रवाना होती है शाम में 7:55 को। इनका फर्स्ट स्टॉप है दादर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। अराइवल टाइम है 8:07 और डिपार्चर टाइम है 8:10। अब तक इस ट्रेन ने 8 किलोमीटर का सफर तय किया और 3 मिनट का इस ट्रेन का यहाँ पर होल्ड है। ट्रेन का दूसरा स्टॉप है थाना रेलवे स्टेशन। अराइवल टाइम है 8:28 और डिपार्चर टाइम है 8:30। अब तक इस ट्रेन ने 33 किलोमीटर का सफर तय किया और 2 मिनट का इस ट्रेन का यहाँ पर होल्ड है। ट्रेन का तीसरा स्टॉप है कल्याण जंक्शन रेलवे स्टेशन। अराइवल टाइम है 8:52 और डिपार्चर टाइम 8:55। अब तक इस ट्रेन ने 53 किलोमीटर का सफर तय किया और 3 मिनट का इस ट्रेन का यहाँ पर हॉल्ट है। ट्रेन का चौथा स्टॉप है नासिक रोड रेलवे स्टेशन। अराइवल टाइम है 11:40 और डिपार्चर टाइम है 11:45। अब तक इस ट्रेन ने 185 किलोमीटर का सफर तय किया और 5 मिनट का इस ट्रेन का यहाँ पर हॉल्ट है। ट्रेन का पांचवा स्टॉप है जलगांव जंक्शन रेलवे स्टेशन। अराइवल टाइम है 2:45 और डिपार्चर टाइम है 2:47। अब तक इस ट्रेन ने 418 किलोमीटर का सफर तय किया और 2 मिनट का इस ट्रेन का यहाँ पर हॉल्ट है। ट्रेन का छठवा स्टॉप है भुसावल जंक्शन रेलवे स्टेशन। अराइवल टाइम है 3:30 और डिपार्चर टाइम है 3:35। अब तक इस ट्रेन ने 442 किलोमीटर का सफर तय किया और 5 मिनट का इस ट्रेन का यहाँ पर हॉल्ट है। इनका सातवां स्टॉप है मलकापुर रेलवे स्टेशन। अराइवल टाइम है 4:18 और डिपार्चर टाइम है 4:20। अब तक इस ट्रेन ने 492 किलोमीटर का सफर तय किया है और 2 मिनट का इस ट्रेन का यहाँ पर हॉल्ट है। ट्रेन का आठवां स्टॉप है नांदूरा रेलवे स्टेशन। अराइवल टाइम है 4:43 और डिपार्चर टाइम है 4:45। अब तक इस ट्रेन ने 520 किलोमीटर का सफर तय किया और 2 मिनट का इस ट्रेन का यहाँ पर हॉल्ट है। ट्रेन का नौवां स्टॉप है शेगांव रेलवे स्टेशन। अराइवल टाइम है 5:08 और डिपार्चर टाइम है 5:10। अब तक इस ट्रेन ने 545 किलोमीटर का सफर तय किया और 2 मिनट का इस ट्रेन का यहाँ पर हॉल्ट है। ट्रेन का दसवां स्टॉप है अकोला जंक्शन रेलवे स्टेशन। अराइवल टाइम है 5:45 और डिपार्चर टाइम है 5:50। अब तक इस ट्रेन ने 582 किलोमीटर का सफर तय किया और 5 मिनट का इस ट्रेन का यहाँ पर हॉल्ट है। ट्रेन का 11वां स्टॉप है मुर्तिजापुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। अराइवल टाइम है 6:18 और डिपार्चर टाइम है 6:20। अब तक इस ट्रेन ने 619 किलोमीटर का सफर तय किया है और 2 मिनट का इस ट्रेन का यहाँ पर हॉल्ट है। ट्रेन का 12वां स्टॉप है बन्नेरा जंक्शन रेलवे स्टेशन। अराइवल टाइम है 7:02 और डिपार्चर टाइम है 7:05। अब तक इस ट्रेन ने 661 किलोमीटर का सफर तय किया और 3 मिनट का इस ट्रेन का यहाँ पर हॉल्ट है। ट्रेन का लास्ट डेस्टिनेशन है अमरावती रेलवे स्टेशन। अराइवल टाइम है 7:55 और अब तक इस ट्रेन ने 671 किलोमीटर का सफर तय किया है। थी आप लोगों के लिए मुंबई CSTM से अमरावती के दरमियान में चलने वाली एक्सप्रेस के बारे में। तो इस ट्रेन की इन्फॉर्मेशन आप रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल जुनैद व्लॉग को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से मुझे और मोटिवेशन मिलता है न्यू वीडियोज बनाने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।